नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं शरद बागिला। खबर राजनांदगांव से, जहां पर जवानों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। 7 माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। AK-47 राइफल और अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। शेरपार और सीतागोटा के बीच पहाड़ियों में मुठभेड़ हुई है। महाराष्ट्र सीमा से सटे क्षेत्र में मुठभेड़ अभी भी जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की, माओवादियों और जवानों के बीच मुठभेड़ जारी है और 7 माओवादी इस मुठभेड़ में ढेर हो गए हैं और पुलिस ने शवों को बरामद कर लिया और साथ में AK-47 राइफल के साथ साथ कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। हमारे साथ मनोज जुड़ चुके हैं राजनांदगांव से। मनोज, जवानों के बीच मुठभेड़ जारी है, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास है? थाना बागनदी एवं बोर तालाब के बीच महाराष्ट्र सीमा से सटे शेरपार और सीतागोटा के बीच पहाड़ियों में माओवादी की होने की सूचना थी, तो सूचना पर पुलिस पार्टी ने DRG व CGCF पार्टी रवाना की थी, जहां आज सुबह 8 बजे से माओवादी के साथ मुठभेड़ चल रही थी। वहीं पहाड़ी पर मुठभेड़ के दौरान 7 माओवादी के मारे जाने की खबर है, जिसमें 3 हमारे पुलिस जवान भी घायल हुए, जिन्हें राजनांदगांव लाने का तैयारी की जा रही है। इनके पास से AK-47 303 राइफल, 12 बोर बंदूक, 60 गन राइफल सहित अन्य गोला बारूद के सामान अभी प्राप्त हुए हैं। जी सर जी, क्या लगता है इस मुठभेड़ की बात की जाए, महाराष्ट्र सीमा से सटे क्षेत्र में मुठभेड़ थी, कितने लोगों को भागने में सफल हुए और कितने लोगों पर, यानी 7 लोग माओवादी इसमें ढेर हो गए हैं और साथ में कितने माओवादी जो घायल हुए हैं और कितने फरार हो गए हैं? फरार का भी वो नहीं है सर, 7 माओवादी उसमें मारे गए हैं और 3 अपने घायल हुए जवान, 100-150 की संख्या में ये लोग थे, बाकी सब महाराष्ट्र सीमा लगा हुआ है इससे वहाँ से भाग गए हैं। क्या लगता है ये जो नक्सलियों का शहीदी रही है, क्या लगता है कि नक्सलियों का शहीदी सप्ताह का आखिरी दिन था और जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है, तो क्या लगता है इस बारे में, जो शहीदी सप्ताह मना रहे थे तो उन्होंने इस बारे में कोई ताकीद किया था वहाँ के लोगों को? जी, शहीदी सप्ताह का आखिरी दिन होने की वजह से लोग बड़े वारदात को टारगेट कर रहे थे लेकिन उस पर नाकाम रहे हैं और पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, क्योंकि बहुत दिनों बाद ऐसी मुठभेड़ हुई है जिसमें 7 जवानों को, 7 माओवादी को मारा गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। शेरपारा और सीतागोटा के बीच ये मुठभेड़ हुई है और महाराष्ट्र सीमा से सटे क्षेत्र में अभी भी मुठभेड़ जारी है और पुलिस ने, यानी कि हमारे जवान हैं, उन्होंने 7 माओवादियों को ढेर कर दिया है। हालांकि 3 जवान जो हमारे हैं उनको थोड़े घायल हुए हैं, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है।